सभा में आए हुए हैं। जलालपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर गोमांस से भरी पिकअप के ड्राइवर सहित पलट गई है, टकरा गई बिजली खंभे से और पिकअप एक घर में घुस गई है और उनका ड्राइवर गांव वालों ने ड्राइवर को पकड़ लिया है। और आपका क्या नाम है भाई? ड्राइवर भाग गए। और क्या है आप? हम गाड़ी के मालिक के भाई। क्या नाम आपका? सूरज। ये एक गोमांस से भरी पिकअप कहाँ लेके जा रहे थे आप? भैया वहाँ जो कौड़ाही में रात में खड़ी थी, हम वहीं सो रहे थे गाड़ी में, तो वहीं से बैठे थे वो लोग, फिर चला के ला रहे थे। नहीं, आप ये मांस कहाँ? पहली बार गए थे गाड़ी साथ में। तो मांस कहाँ मिला आपको? मांस नहीं, वही गाड़ी खड़ी तो वहीं से ला दे होंगे। पिकअप में तो मांस भरी हुई है। कौड़ाही से पिकअप में मांस भरी हुई है, तो वहीं से लोड किए होंगे ना रात में। कौन लोड किया होगा? जो साथ में थे। तो मालिक के भाई आप हैं तो आपको नहीं पता है? हमारी गाड़ी, हम गाड़ी के साथ गए थे जो भाग गए, वही थे जलालपुर के। कौन थे, कौन क्या क्या नाम था उनका? आरिफ अनाड़ी। वो ड्राइवर थे? ड्राइवर नहीं थे। हाँ, वही लोग चला रहे थे। मतलब वही, हम उतना चलाना नहीं जानते हैं ना। अच्छा, आरिफ अनाड़ी कहाँ के रहने वाले हैं? जलालपुर के। इनका कान हूँ और मैं गाड़ी चालक के साथ, आरिफ अनाड़ी नाम है, उनके साथ मैं था, बैठा था। वो लोग निकल गए जो है लड़ते ही और मैं ही बचा, मुझको कुछ मालूम नहीं। कौन सा मोहल्ला है उसका ड्राइवर का? नकपुर। कौड़ाही का क्या नाम आपका है? हमारा नाम है करिंदर निषाद निमटने। तो ये कैसे गाड़ी आके लड़ी है आपकी? तो गाड़ी जो आई है कौड़ाही कोर से, ये गाड़ी पहले लड़ी है बिजली खम्भा में। बिजली खम्भा में से गाड़ी आके इस मकान में लड़ गई है। इसमें क्या लदा हुआ है? इसमें लदा है गाय का मीट, चमड़ा। अच्छा, चमड़ा लदा हुआ है। ये पहली बार ऐसी घटना हो रही है? पहली बार नहीं घटना होता, ये घटना जो है हमारा पहली बार हुआ है, लेकिन ये सप्लाई जो है काफी दिन से चल रही है। एक बार ट्रक भी पकड़ा गया था, उसमें गाय लदा था। कितना दिन पहले? आज करीब 1-1.5 महीने हो रहा है। कोई कार्यवाही हुई? कोई कार्यवाही नहीं हुआ, पुलिस वाले पकड़ के हमारे ख्याल से ले गए हैं, पैसे कौड़ी ले गए, किस बार छोड़ दिए। अच्छा, हाँ, कोई कार्यवाही नहीं हुई। कौन से थाने से पकड़े थे? जलालपुर वाले थाने से। तो यहाँ भी पुलिस आई कि नहीं? यहाँ पुलिस नहीं आई है। यहाँ बोला तो जानकारी दे। जानकारी मतलब ये है कि जैसे आज 4-6 महीना साल भर से ये आए दिन ये भी गाऊ हत्या का काम कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं ये लोग, और बराबर सूचना देने पर थाने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पब्लिक के बीच में ऐसा ऐसा गलत काम हो रहा, और जबकि गाँव के लोग कुछ इस चौराहे पर ये लदी हुई ट्रक को पकड़ा गया, उसके बावजूद भी, सूचना देने के बावजूद भी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आए दिन भी ये कार्य चलता रहा, अभी तक जारी है। और इसके बाद भी आज भी घटना कौड़ाही बाज़ार से मार्केट से आ रही थी गाड़ी, मांस लदा हुआ। किसका मांस है? गाय की। अच्छा, और जिसमें से घटना से इसका ताल्लुक ये है कि जो कि बराबर ये लोग मना करने के बाद पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई इस पर कोई नहीं कर रहे हैं। नहीं, गाड़ी के साथ कोई पकड़ा गया कि नहीं? गाड़ी के साथ एक ड्राइवर था पकड़ा गया। क्या तीन लोग थे, एक आदमी पकड़ा गया, जिसमें जब तक कोई घर में घुसा दिया गाड़ी, दो लोग फरार हो गए हैं, एक लोग पकड़े गए हैं। जिसने नाव गांव पता सब बता दिया है, जिसके घर में गाड़ी, वो नाव गांव अपना पता बता दिया है। वो कह रहा है कि क्या नाम है, हम लोग यह गाय उठाए थे जलालपुर से और उठाते हैं प्रतिदिन, और वो कौड़ाही में कटती है गाय, वहाँ से हम लोग मांस बेचकर फिर इसके बाद क्या नाम है चमड़ा लेके जा रहे थे नेवरी बेचने के लिए। यही वो जो है इस समय जो बैठा है वही इस समय जो है बता रहा है। कौड़ाही में किसके यहाँ कटती है? अब पता नहीं, वो नाम नहीं बता रहा, उससे पूछने के बाद आप लोग पूछ लेते ठीक रहता। वो बैठा है यहाँ पे, वहाँ उसको पकड़ के बैठाए हम लोग हैं, उससे पूछ लेते तो ठीक रहता। ग्रामवासियों को कहना है कि जब तक खंभा का तार हो और नुकसान जितना हुआ नहीं, पिकअप नहीं जाने दिया गाड़ी में मांस लदा है, देखा है कि ये क्या प्रक्रिया चल रही है। शासन प्रशासन आकर यहाँ आप सब
वहाँ को देख लीजिए आप, और इसमें गाय का पंडित जी रुधौली माफी जलालपुर।